हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द टू टाइप्स अरेंजमेंट ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। वन इज अ पैरेलल एक्सिस रिलैक्स्ड आईज एंड सेकेंड वन इज अ डिस्टिंक्ट विजन। टुडे अवर न्यू टॉपिक इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? व्हेन वी यूज वन कॉन्वेक्स लेंस इट्स कॉल्ड अ सिंपल माइक्रोस्कोप, बट व्हेन वी यूज मोर देन वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, then it's called a compound microscope. Why we use compound microscope? When we see a large image, then we use compound microscope. समझना अच्छे से। मैं जब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज करता हूँ तो उससे मुझे इमेज बड़ा दिखता है, पर एक लिमिटेशन होती है, उससे बड़ा नहीं दिखता। अब मुझे इससे भी और बड़ा इमेज देखना है, नाउ वी यूज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तब मैं जाके कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करता हूँ। अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या है? तो एक से ज्यादा लेंस यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखना है, यहां पे मैंने एक लेंस लिया। इस लेंस के सामने मैंने ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट ने एक इमेज बनाया इतना सा। इस इमेज के सामने मैंने दूसरा लेंस रखा, तो इस लेंस ने इस इमेज का दूसरा इमेज बनाया इतना सा। इसके सामने मैंने दूसरा लेंस रखा, तो इसने इस इमेज का इतना बड़ा इमेज बना दिया। तो एक ऑब्जेक्ट का इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो इसको बड़ा करके और दिखाता है। दूसरे लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो इससे भी बड़ा करके और दिखाता है। तो इसमें जो है एक लेंस का मैग्निफिकेशन फिर दूसरे लेंस का मैग्निफिकेशन ऐड होता है या मल्टीप्लाई होता है। एक लेंस ने बड़ा करके दिखाया, दूसरे ने बड़ा करके दिखाया, तो दोनों लेंस का पावर ऐड करके दोनों लेंस का पावर हमने कंबाइन किया और इमेज को बड़ा कर दिया, तो दोनों लेंस की मैग्निफिकेशन ऐड होती है या मल्टीप्लाई होती है। यहां पे याद रखना और इसको समझना। जैसे आप इसे यहां पे डिराइव करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि दोनों लेंस की मैग्निफिकेशन ऐड होती है या उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो यहां पे हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। उसमें यहां पे देखना, ये हमने एक लेंस लिया, इस लेंस मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, इसको इस तरफ थोड़ा और डिस्टेंस तक हम ड्रॉ करते हैं। अब यहां पे ये जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ हम बहुत छोटी रखते हैं, बहुत कम फोकल लेंस है, बहुत कम फोकल लेंथ। तो मैंने इसकी फोकल लेंथ इतनी कर दी, ये इसकी फोकल लेंथ है, इतना डिस्टेंस लिया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ से इतने डिस्टेंस पे मैंने ये यहाँ पे भी फोकल लेंथ ली, ये भी इसका फोकस है, ए फोकस एफ ओ, ये भी फोकस है एफ ओ, ये एक लेंस है। अब इस लेंस के सामने मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, इससे थोड़े बहुत नजदीक में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी,
इसको मैंने इस पॉइंट पे रख दी। इसमें से अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, देखो ये जो फोकस है उसके पीछे रखा है। अगर मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखता हूं तो उसका इमेज जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी साइड मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा और लार्ज मिलेगा। पर हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज रियल चाहिए क्योंकि उसका भी हमको इमेज निकालना है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज रियल चाहिए। तो रियल कब मिलेगा, जब आप ऑब्जेक्ट को इसके पीछे कहीं पे रखोगे तब जाके आपको इसका जो इमेज है वो कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा। अब इसमें से एक रेस जो है ऐसे पास होती है और एक रेस जो है ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, जो रेस ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है वो डेविएट नहीं होती है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेस है वो कहां से पास होगी, फोकस। तो मैंने इसको फोकस से पास किया यहां। इसको यहां से निकलते एक रेस हम यहां पे लेते हैं, यहां से जाने वाली रेस यहां पे इराया, आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें बहुत आप ध्यान रखोगे, अच्छे से ये जो रेस है उसको पास करोगे तभी आपको ए इमेज और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मेजर कर पाओगे। अब हमने यहाँ पे एक लेंस लिया है, इसका फोकस है, इसकी फोकल लेंथ हम बहुत छोटी रखते हैं, इसकी फोकल लेंथ हम बहुत छोटी रखते हैं। ये जो लेंस है उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इस लेंस को हम बोलेंगे आईपीस लेंस, आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो लेंस यूज करेंगे, जो ऑब्जेक्ट के पास में है उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो हमारी आईज के पास में है उसको हम बोलेंगे आईपीस लेंस। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, तो फोकल लेंस से थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा है, इस ऑब्जेक्ट को हमने बोल दिया ए बी। अब मैंने आपको बताया कि ए फोकल लेंथ है, इसके यहाँ पीछे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट पुट बिटवीन फोकल लेंथ, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, देन इमेज इज बिकम वर्चुअल, बट वी वॉन्ट रियल इमेज। तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने से इसमें से एक रेज ऐसे पास होती है प्रिंसिपल के पैरेलल, तो वो फोकस से पास होकर यहाँ पे आई, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रेज डेविएट नहीं होती है और दोनों रेज यहाँ पे क्रॉस करती है। अब यहाँ पे इसने इमेज बनाया, कॉस कैसा इमेज बनाया, इनवर्टेड और रियल इमेज, ए डैश बी डैश। अब हमने इसके सामने एक दूसरा लेंस रख दिया, कौन सा लेंस, आईपीस लेंस। अब आईपीस लेंस के लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा, ओके। तो यहां से इसमें से एक रेस हमने ऐसे निकाली जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो डेविएट नहीं होगी, और एक रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होगी यहाँ पे S, ए रेस S। अब जब हम यहां से इसको ऑब्जर्व करते हैं, यहां से हम देखते हैं
इन दोनों रेस को हम बैकट्रैक करते हैं तो दोनों रेस हमको यहाँ पे जाती मिलती है, ये देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत लार्ज इमेज बनाती है। और ये जो इमेज है ए डबल डैश बी डबल डैश, ये जो इमेज है कैसा मिला आपको, ए डैश बी डैश, ए डैश यहाँ पे है, ए डैश डबल डैश यहाँ पे है, बी डैश यहाँ पे है, बी डबल डैश यहाँ पे है, तो इमेज कैसा है, इमेज कैसा मिला, इरेक्ट, कैसा मिला है, इरेक्ट। अब यहाँ पे इरेक्ट होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल, कैसा होता है, वर्चुअल। अब यहाँ पे देखिए इस लेंस को हमने इस तरह सेट किया कि इसकी फोकल लेंथ के अंदर इसका इमेज आ जाए इस लेंस का। अब आपको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका इमेज कैसा मिलेगा, वर्चुअल, आप देख रहे हो, तो ये आपको वर्चुअल मिला। अब हमको पता है कि माइक्रोस्कोप में हम दो तरीके के सेटिंग करते हैं, एक सेटिंग किसके लिए, रिलैक्स आइज के लिए मतलब पैरेलल रेस के लिए, और सेकंड जो सेटिंग है वो किसके लिए, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। तो ये जो हमने सेटिंग किया है वो किसके लिए किया है, डिस्टिंक्ट विजन। और ये जो डिस्टिंक्ट विजन डी डिस्टेंस होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। दूसरा, यहाँ पे ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखने से इसका इमेज यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, वो कहीं पे भी मिल सकता है, पर वो डिस्टेंस कितना होता है आपके लेंस के हिसाब से, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था 25 सेंटीमीटर इज अ डिस्टिंक्ट विजन। उस 25 सेंटीमीटर पे जब इमेज या ऑब्जेक्ट होता है तो उसको क्लियरली देख सकते हैं, पर उस वक्त जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो हमारी आइज को प्रेशराइज करते हैं, ऐसे उसमें प्रेशर करके उसको ऐसे दबाते हैं तो हमारी आइज जो है वो रिलैक्स फील नहीं करती। पर जब रेस इनफाइनाइट डिस्टेंस से पैरेलल आएंगे तब हमारी आइज क्या करती है, रिलैक्स फील करती है। ओके, अब इसमें ये जो इमेज हमको मिला फाइनल इमेज वो हमको कितना बड़ा दिखता है, तो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब हम इसकी मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हमको फाइनल इमेज कितना बड़ा दिखता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m इज इक्वल टू बी अपॉन यू, वो मैग्निफिकेशन होता है। अब यहाँ पे देखना कि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ही है, उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना, v अपॉन यू, पर इमेज डिस्टेंस इस तरफ है, रे इस तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव, पर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इसीलिए माइनस। अब इमेज मतलब आईपीस का मैग्निफिकेशन कितना, मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस लेंस एम ई इज इक्वल टू, मैंने लिखा है 1 plus d upon f e। याद करिए ये फॉर्मूला किसका है, सेटिंग फॉर डिस्टिंक्ट विजन में हमने उसकी मैग्निफिकेशन निकाली थी किसकी, में 1 plus d upon f e, और उसमें एक ही लेंस होता है, कौन सा, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस होता है आईपीस, जो हमारे आपके सामने रहता है, तो यहाँ पे भी ये आईपीस लेंस है और सेटिंग डिस्टिंक्ट विजन के लिए है तो उसका मैग्निफिकेशन मैंने लिखा। अब टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए मिला। आईपीस के लिए हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब फाइनल इमेज कितना मिलेगा, तो एम इज इक्वल टू एम ओ क्रॉस एम ई, ए रखा ए रखा, दोनों में से ए कैंसिल हो जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए बी। ओके, अब यहाँ पे और अगर आप इसको पहले लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे नोट करते हैं, देखिए इसको टोटल मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन आईपीस लेंस का, इसका कितना है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्रॉस ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, इसमें से ए कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा,
ए डबल डैश ई डबल डैश अपॉन ए बी, ये आपको क्या मिला फाइनल। अब मैंने यहां पे इसको और करेक्ट किया है और टोटल मैग्निफिकेशन मैंने लिखा इसके सामने ऑब्जेक्टिव लेंस का मींस माइनस वी ओ अपॉन यू ओ और वन प्लस डी अपॉन एफ ए आई पीस का, तो ए बी फॉर्मूला है, ए बी फॉर्मूला है, ए बी टोटल मैग्निफिकेशन दिखा रहा है और ए बी टोटल मैग्निफिकेशन दिखा रहा है। ओके, अब यहाँ पे ए हमने किसके लिए सेटिंग की थी, डिस्ट्रिक्ट विजन के लिए। इसमें जितना फोकल लेंथ कम होगी, जितनी फोकल लेंथ उतना ही ए जो मैग्निफिकेशन है वो ज्यादा होगा। अब हम इसको जब आपको ए इमेज दिखेगा यहाँ पे बहुत लार्ज इमेज दिखेगा, बहुत लार्ज इमेज, पर आपकी आंख जो है वो प्रेशराइज होगी, ऐसे प्रेशर में होगी और आपकी आंख जो है वो दर्द भी कर सकती है, पर इमेज आपको क्लियर दिखेगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारी आंख को रिलैक्स मोड पे रखना चाहते हैं। रिलैक्स मोड पे कब रखेंगे, कब होंगे रिलैक्स मोड पे, जब उसकी आईज में पैरेलल रे एंटर करेंगे तब। तो अगर मैं इस लेंस को थोड़ा पीछे कर दूं तो ये जो फोकल लेंथ है पीछे इसके साथ आगे होके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो लेंस को पीछे लेंगे तो ये जो फोकल लेंथ है आईपीस की वो इस पे सेट कर सकते हैं, मतलब ये जो इमेज है वो किस पे आ जाएगा, फोकस पे, फोकस पे आ जाएगा। अब इमेज अगर हम फोकस पे रखेंगे पर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आएगा तो फोकस पे होता है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहाँ पे मिलती है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आने वाली रेस क्या होगी, पैरेलल। तो इसको हम थोड़ा पीछे करके इसके फोकस को इस पे सेट कर देते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है। यहाँ पे देखिए हमने इस लेंस को थोड़ा पीछे करके इसके फोकस को यहाँ से इस पॉइंट पे ला दिया, तो ये जो इस ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज बन रहा था वो इमेज किस पॉइंट पे बनता है, इसके फोकस पे, तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट हो गए। अब ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे, तो ये दोनों रेस पैरेलल है, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली रेस क्या होती है, पैरेलल। जब पैरेलल रेस हमारी आंख में एंटर करती है तो हमारी आईज रिलैक्स मोड में होती है, तो सेटिंग फॉर रिलैक्स्ड आईज, इस वक्त आंख में प्रेशर नहीं होता है। अब इसके लिए मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो ये जो मैग्निफिकेशन है उसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, एम इज इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ। ए किसके लिए था, सेटिंग फॉर डिस्ट्रिक्ट विजन, सेटिंग फॉर रिलैक्स आईज के लिए मैग्निफिकेशन कितना है, डी अपॉन एफ ई, फोकस फोकल लेंथ फॉर आईपीस एफ ई, तो ए हमको मैग्निफिकेशन दिया। अब देखिए दोनों में कौन सा मैग्निफिकेशन ज्यादा है, कहाँ पे इमेज क्लियर दिखती है, ज्यादा क्लियर दिखेगी, तो इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसमें वन है, वन ज्यादा है इसीलिए इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा है, पर इस वक्त हमारी आंख प्रेशराइज होती है, ऑब्जेक्ट क्लियर तो दिखता है पर आंख में दर्द होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा पर आंख में दर्द भी नहीं होगा। ओके, तो ये जो है मैग्निफिकेशन। अब इसमें एक छोटी सी बात, यहाँ पे अगर मैं ये जो लेंस है उस लेंस मतलब यहां से इस लेंस से इस लेंस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एल, इतनी साइज होती है किसकी, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस लेंस से इस लेंस तक। अब ये जो इमेज बनने वाला है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनने वाला है, इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस वो कहां पर बनेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ही बनेगा, वो तो बाहर दिखेगा ही नहीं क्योंकि ए माइक्रोस्कोप है उसके अंदर ही बनेगा, और इसके लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और इसकी इमेज बनाता है। अब यहाँ पे इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो एल, ए साइज है किसकी, ए लेंथ है किसकी,
माइक्रोस्कोप की। अगर माइक्रोस्कोप की लेंथ पे हम यहाँ पे इस लेंस, ये जो लेंस है और इसकी जो लेंथ है उसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, कितना चेंजेस करेंगे, तो ये जो वी ओ है, वी ओ क्या है, इसका इमेज डिस्टेंस है और यहाँ पे जो वी ओ है वो भी इमेज डिस्टेंस है। अब इसमें मुझे एक एल रखना है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में मुझे एल को पुट करना है। मैं कहाँ पे पुट कर सकता हूँ, किसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ, देखो यू ओ ए हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, एफ ई फोकल लेंथ फिक्स होती है, डिस्टिंक्ट विजन भी फिक्स होता है, सिर्फ हम क्या चेंज कर सकते हैं वी ओ को, कैसे चेंज करें इसमें देखो, ए ऑब्जेक्ट को हमने फोकस से बहुत पास में रखा है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा यहाँ पे लाके यानी इस पॉइंट पे रखूंगा बहुत इसके पास में, तो इसके और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि फोकस पे लाने से इमेज कहाँ पे चली जाएगी, इनफाइनाइट, तो हम फोकस भी नहीं रखेंगे, इसके बहुत पास में रखेंगे, इसको यहाँ पास में रखने से ये जो इमेज है दूर चली जाएगी, इमेज दूर चली जाएगी और इसके पास में आ जाएगी, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो ए वी ओ है, अभी यहाँ पे देख रहे हैं इसको, अभी वी ओ कहाँ पे है, यहाँ मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा यहाँ पे नहीं यहाँ पे आता, तो इमेज कहाँ मिल सकता है, इसके बहुत पास में, इसके पास में चला जाएगा तो वी ओ अप्रोक्सीमेटली इतना हो जाएगा, तो वी ओ किसके जितना हो जाएगा, एल जितना, कितना हो जाएगा एल जितना, तो एल इज अ क्यूब लेंथ, एल को हम क्या बोलेंगे ट्यूब लेंथ, तो मैं इस इक्वेशन में अगर एल को रखना चाहता हूं तो ए इक्वेशन कैसा होगा, एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन यू ओ यहां पे, और इसको ऐसे ही रखते हैं और इसके सामने वन प्लस डी अपॉन एफ ई, यहां पे अगर नोट करेंगे तो एम इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन यू ओ डी अपॉन एफ ई, ये हो जाएगा। एल मैंने क्यों रखा, कैसे रखा समझ में आया, अगर हम इन दोनों को ए ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज है अगर इसकी साइज इसकी लेंथ इतनी हो जाती है देन वी विल पुट एल फॉर वी, इसकी जगह पे हम इसको रख सकते हैं। तो ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें हम अगर हमको फाइनल इमेज यहाँ पे मिल रही है तो उसके सामने अगर एक दूसरा लेंस रख देंगे तो वो और बड़ा करके दिखाएंगे, ओके। तो ये आपके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अच्छे से देखना समझना तो आपको ज़्यादा समझ